तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री एनसीईआरटी के बारे में। ये पूरी हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एक नई सीरीज चलने वाली है इस चैनल पे, जिसमें मैं क्लास सिक्स की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करूँगा। और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी ये वीडियो। तो सबसे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेयर डिड पीपल लिव, जो पुराने लोग थे वो कहाँ रहा करते थे। और उसके बाद हम बात करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे यहाँ धरती जिस पे हम रह रहे हैं, जो हमारा देश है, उसके अलग अलग नाम क्यों हैं, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। तो इन नामों के पीछे क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में पता करेंगे कि लोग जो हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये पास्ट के बारे में कैसे पता लगा लेते हैं, आज से हज़ारों साल पहले की चीज़ें कैसे इन लोगों को पता चल जाती हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे उसके बाद। और उसके बाद बाय दिस बुक इज़ नेम्ड एज आर पास, जो आपकी बुक है ये सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी, इसका नाम आपने नोटिस किया होगा कि आर पास्ट है जो प्लूरल है, तो ऐसा क्यों है, सिंगुलर क्यों नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद व्हाट डू डेट्स मीन, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है या और भी डेट्स होती हैं, 1999, 1998, ये सभी डेट्स क्या हैं, ये कैसे शुरू हुई, उसके बारे में यह चैप्टर होगा, ये बात होगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से, जो है वेयर डिड पीपल लिव। तो यहाँ पे सबसे पहले पीपल लिव्ड अलोंग दी बैंक्स ऑफ रिवर लाइक नर्मदा, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले जो लोग रहा करते थे, सबसे पहले उन्होंने जब अपनी सिविलाइजेशन की शुरुआत की, रहना शुरू किया लोगों ने, तो वो रहा करते थे रिवर्स के अलोंग, जैसे कि नर्मदा रिवर है उसके पास, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो रिवर इंडस है इसके साथ ही इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरी का मतलब वो होता है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, सॉरी यहाँ पे एल स्किप कर गया मैं, दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो एक बड़ी रिवर में जाकर मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे ये झेलम रिवर निकल रही है और ये जाकर मिल रही है इंडस रिवर में, तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये जो एरिया है वो पूरा एरिया हो गया इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का एरिया। और यहीं पे सबसे पहले सबसे विकसित सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी नदियों के किनारे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि नदियों से ट्रेड वगैरह अच्छा होता रहता था, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता रहता था और खान पान के लिए, तब सभी चीज़ों के लिए पानी जो था नदियों से लिया जाता था। इसी के कारण जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं वो हमारी ज़्यादातर नदियों के नज़दीक ही हुई हैं, जैसे कि उसके बाद आ जाती है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, जो यहाँ पे गंगा रिवर है, ये रही गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे सोन रिवर, ये रही सोन रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और तो इनमें भी काफ़ी सारी सिविलाइजेशन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो आगे चलते हैं हम, तो आगे है नेम्स ऑफ द लैंड। तो हमारे ये इंडिया का नाम है, जैसे यहाँ पे टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो जो इंडिया नाम है हमारे देश का वो आया है इंडस रिवर से, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। अब हम पिछली स्लाइड में आपने नदी देखी थी, यहाँ पे ये इंडस रिवर देखी है, तो इसके वजह से जो इंडिया का नाम पड़ा है इंडिया या सिंधु, इसीलिए सप्त सिंधु भी कहा जाता है पंजाब को, कहा जाता था पुराने समय में, क्योंकि यहाँ पे सात नदियाँ बहती थी और जो सिंधु नदी थी वो उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज थी। तो द ईरानियंस एंड ग्रीक्स कॉल्ड इट द हिंदोस, यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर देख सकते हैं हिंदोस, जो ईरानियंस थे या ग्रीक्स, जैसे कि जो लोग इस साइड से इंडिया में आए थे ग्रीक्स, जो जैसे कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ईरान है, वहाँ से जो लोग आए थे वो इंडिया को हिंदोस कहते थे तब, या फिर इंडोस, तभी से ये हिंदू नाम जो है वो भी तभी से डला है, ये किसी पार्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं था शुरुआत में। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेद। तो ये जो भारत नाम है ये एक तरह से एक क्लैन हुआ करता था जो इंडिया में रहता था एक समय पे, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहता था। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये है जहाँ पे मैंने पहले बहुत गड़बड़ कर दी है, एक मिनट, जहाँ पे जो पहले सारा पार्ट था, ये जो सारा पार्ट है इसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट कहा जाता है यहाँ पे। तो इस पार्ट में जो सबसे पहली सभ्यताएं थी
जो सबसे पहले जो ऋग्वेद में जिन लोगों का नाम लिया गया है, ऋग्वेद एक हिंदू स्क्रिप्चर है, काफ़ी पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, जिसे वैदिक एज में आ जाता है, वो उसके बारे में आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे। तो उसमें भारत बोला गया है, भारत जो भारत इसलिए बोला गया क्योंकि इस समय पे एक क्लैन रहा करती थी, यहाँ पे एक लोग रहा जा करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल, जो जिनका नाम ग्रुप का भरत था, भरत ग्रुप या भारत ग्रुप, तो इसी कारण इंडिया को भारत भी कहा जाता है। और आगे है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में कैसे पता लगाते हैं, ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाते हैं, तो उसका मेन कारण है, वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। पहला तो ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पुरानी बुक्स मिलती हैं आपको, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट है, उस समय पे ये घटना हुई थी, ये किंग हुआ करता था, जिसके बारे में वो बुक होती है, उसमें काफ़ी सोशल आपको कल्चरल चीज़ें और काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें उस समय की मिल जाती हैं, सामाजिक चीज़ें यानी कि राजनीतिक चीज़ें वो मिल जाती हैं, और दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन। और जो जो पुरानी बुक्स हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है ना, क्योंकि ये हाथों से लिखी गई चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो एक पाम लीफ के ऊपर लिखी गई है, पत्ते के ऊपर, तो ये काफ़ी कम सर्वाइव किए हैं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी मिल जाती हैं चीज़ें। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन। अब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मैन्यू का मतलब होता है हाथ, ये लैटिन वर्ड है जो यूज़ किया। ओके, उसके बाद है मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स प्राकृत। तो ये लैंग्वेज है जो संस्कृत में ज़्यादातर लिखी गई हैं, और बाकी की प्राकृत लैंग्वेज में, अभी ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये माना जाता था कि बड़े लोगों की, ब्राह्मणों की लैंग्वेज है, तो इसीलिए काफ़ी हमें संस्कृत में ज़्यादातर मिलती हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही एक पढ़ी लिखी क्लास हुआ करती थी पुराने समय में, और जिन्हें स्कॉलर माना जाता था। और जो नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज होती थी वो होती थी प्राकृत या फिर तमिल, इन लैंग्वेजेस में भी हमें काफ़ी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं दोस्तों, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। जैसे कि जो स्टोन के ऊपर या मेटल के ऊपर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्वाइव किए हैं, क्योंकि अगर आप स्टोन के ऊपर कुछ लिख दोगे या किसी मेटल के ऊपर लिख दोगे, वो ख़राब होने वाला नहीं है, वो उसी फॉर्म में बना रहेगा। और आज तक हमें इन इंस्क्रिप्शन से, जो पुराने हज़ारों साल पहले इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं, उनसे काफ़ी कुछ देखने को पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमें पता चलता है। और इनके अलावा हमें कॉइन्स वगैरह भी मिलते हैं, जिनके ऊपर, जैसे कि आज के कॉइन्स अगर आप देखें तो उनके ऊपर आरबीआई के सिंबल होते हैं, डेट होती है, तो ऐसे में जो पुराने कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, उनके ऊपर से भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और आगे है, वाई दिस बुक इज़ नेम्ड एज आर पास। इस बुक को आर पास्ट नाम क्यों दिया गया? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। क्योंकि जो पास्ट था ये सेम नहीं रहा, कुछ लोगों के लिए अलग था, जैसे कि राजाओं के लिए पास्ट, जो राजाओं का पास्ट था वो अलग था, और जो हमारे कॉमन लोग थे उनका पास्ट अलग था। कहीं तो लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई थी पुराने समय में भी अगर सैलरी माने हम, क्योंकि जो मॉडर्न एज है उसमें सैलरीज जो बड़े लोगों की थी, वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, खैर इसको छोड़िए, यानी बहुत डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में। और जो लोग सिर्फ हंटिंग करते थे उनका पास्ट अलग है, जो सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे उनका पास्ट अलग है, क्राफ्ट्समैन का पास्ट, यानी कि जो बाकी काम करते थे जैसे लोहार वगैरह, उनका पास्ट अलग है। तो इसलिए इस बुक का नाम आर पास्ट रखा गया है। तो चलते हैं आगे, वट डू डेट्स मीन। यहाँ पे आपकी डेट्स जो अभी चल रहा है 2020, इसका क्या मतलब है, ये डेट्स कैसे इस्टेब्लिश हुई शुरू में, तो उसके बारे में हम जानते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये डेट्स जो हैं वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर शुरू की जाती हैं, जैसे कि जिस साल में माना जाता है, जो वैसे उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि कब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी कि जो भी हिस्टोरियंस हैं वो मानते नहीं हैं किसी एक डेट को कि इस ईयर में जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसमें काफ़ी मतभेद हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग डेट असाइन करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड डेट है जीसस क्राइस्ट के जन्म की, उस डेट से जो है ये हमारा कैलेंडर शुरू होता है, यानी उस साल था फर्स्ट एडी माना जाता है उस साल को, और ऐसे में चलते चलते एडी आज तक, यानी कि 2020 तक, 2020 साल हो चुके हैं क्राइस्ट के जन्म को। आप क्राइस्ट के बारे में जानते होंगे, उम्मीद है मुझे, जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को चलाया था, जो अंग्रेज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म है।
सो 2020 ये मैं आपको बता चुका हूँ। एडी इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। तो ये जो एडी है ये दो लैटिन वर्ड्स से बना है जो है एनो डोमिनी मीनिंग द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी ये लैटिन वर्ड्स हैं, इनका मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड। एग्जाम्पल यानी कि क्राइस्ट का जो साल था उसको एनो डोमिनी बोला जाता है। और काफ़ी लोग जो हैं वो इस एनो डोमिनी को आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, यानी एडी का मतलब आफ्टर डेथ भी रखते हैं, लेकिन मुझे ये कहीं किसी बुक में और में नहीं मिला। और ज़्यादातर जिन वेबसाइट्स पर मैं ऑनलाइन भी चेक किया तो सब जगह एनो डोमिनी है। काफ़ी कन्फ्यूजन है ये लोगों को कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है, लेकिन इसका मतलब एनो डोमिनी है, मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और ये एक लैटिन वर्ड है। और उसके बाद ऑल डेथ्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर पी सी बिफोर क्राइस्ट। अब ये जो डेट्स देख, जैसे हमने मान लिया कि जब जीसस का जन्म हुआ था उससे आगे एडी शुरू होगी, फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी, थर्ड एडी, तो ऐसे में जो उससे पहले भी हिस्ट्री थी, उससे पहले भी लोग रहा करते थे जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, तो उन डेट्स को बैकवर्ड काउंट किया जाता है, यानी कि पीछे की ओर चलती हैं वो डेट्स। वैसे उससे पहले आप मान लीजिए जैसे कि जीरो से पहले अगर आप करें तो माइनस वन, माइनस टू, ऐसे जाएगा। तो एडीज भी ऐसे जाती हैं, वन बी सी, सेकेंड बी सी, थर्ड बी सी, ऐसे ये कम होती आती हैं आगे आगे को और पीछे को बढ़ती जाती हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है बी सी, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद आ जाते हैं समटाइम्स सी ई इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए डी। तो कभी कभी ए डी के बजाय सी ई का भी यूज़ किया जाता है। सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बी सी ई इंस्टेड ऑफ बी सी, बी सी के अलावा बी सी ई का भी यूज़ कर लिया जाता है। तो अभी कॉमन एरा का मतलब ये है कि कॉमन जो अभी ये जो ए डी बी सी ये हमने डेट जो है एक्सेप्ट कर ली है, सभी ऑलमोस्ट हम हर कंट्री में ऑलमोस्ट क्या सभी कंट्रीज में यही डेट्स चल रही हैं जो अभी है यो, तो इसलिए ये कॉमन एरा बन चुका है, यानी कि सभी लोगों के लिए कॉमन हो चुका है, तो इसीलिए इसे कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। इसके बाद चैप्टर में से वो हैं सबसे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। जो चीज़ें पुराने समय में बनाई गई हैं या पुराने समय में उनका यूज़ होता था, उन चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है ये टर्म। और उसके बाद एक्सकेवेट, एक्सकेवेट करने का मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट धरती के नीचे खोद खोद के पुरानी से पुरानी चीज़ों को निकालते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सकेवेट करना या एक्सकेवेशन। तो उसके बाद है डेसिफरमेंट, व्हेन स्कॉलर्स अंडरस्टैंड एन ओल्ड स्क्रिप्ट, यानी कि डेसिफरमेंट उस चीज़ को बोला जाता है जब लोग, जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो किसी पुरानी सभ्यता की जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको समझने लग जाते हैं, उनकी लिखी हुई लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे इजिप्शियन लैंग्वेज है, इसको समझा गया है, ये डेसिफर हो चुकी है, इसका मतलब है ये डेसिफर हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स का मतलब है पी, और इस हाफ आप सर्कल का मतलब है टी, यहाँ पे ये जो भी सिंबल है उसका मतलब ओ। तो ये जो प्रोसेस है इसे डेसिफरमेंट बोला जाता है, जिसमें हम किसी पुरानी स्क्रिप्ट को, पुरानी लैंग्वेज को हम समझते हैं, हम पता लगाते हैं आज की डेट में, हम आज की लैंग्वेजेस के हिसाब से उसे समझ पाते हैं, तो उसको बोला जाता है डेसिफरमेंट। और होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हाथ से लिखी हुई पुरानी ऐतिहासिक रचनाएं हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। इंस्क्रिप्शंस जो किसी हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़ें हैं पुराने समय की, उन्हें इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। जैसे कि जो मेटल्स पे इंस्क्रिप्शंस होती थी, कॉपर पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉपर मतलब तांबे पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं पुराने किंग्स की, ख़ास तौर पे अशोक की, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करूँगा एंड। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो प्लीज़ अगर आप ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।